नेक्स्ट आ गई डेजर्ट अडेप्टेशन। अब डेजर्ट जो है वो इस तरीके का एरिया होता है जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है या कंटिन्यूस ड्रॉट रहता है वहाँ पे, राइट। तो वहाँ पे पानी की कमी है, टेम्परेचर या तो बहुत हाई है या तो बहुत ज़्यादा लो है, सैंड इतनी ज़्यादा होती है, कोई ग्रीन कवर नहीं होता, प्लांट्स बहुत कम होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। तो डेजर्ट एनिमल्स के आगे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि पहले तो पानी मिले, और अगर पानी मिल गया तो उसको कंजर्व करके भी रखे, दूसरा उसको डिफेंस भी करना है टेम्परेचर के अगेंस्ट, सैंड के अगेंस्ट, कि आँखों में और सेंस ऑर्गन्स में सैंड ना जाए, और एनिमीज से भी बचना है। तो अडेप्टेशन किस तरीके की होती हैं, सबसे पहले पानी कैसे लेना है, पानी को कंजर्व कैसे करना है। डेजर्ट एनिमल्स को पानी एक ही जगह से मिलता है, जो वो खाना खाते हैं उसी में से फ्लूइड उनको मिलता है, जैसे कि प्लांट खाया तो उसका सैप मिल गया, अगर कोई प्रे खाया तो उसके ब्लड में से उसने पानी ले लिया, ठीक है। तो लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर, जैसे कि ये हमारे पास ये स्पाइनी लिजर्ड होती है, इसकी जो स्किन होती है वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह होती है, तो जो सैंड में से ये वो पानी को एक्सट्रैक्ट करती रहती है, तो एक मॉडिफिकेशन ये इसके अंदर होती है। दूसरी जो कि आपने सबने देखी होगी कि कैमल्स में, कैमल की जो हम्प होती है उसमें ग्लाइकोजन और फैट स्टोर्ड होता है, तो स्लोली एंड स्लोली क्या होता रहता है, जैसे जैसे कैमल को पानी चाहिए होता है तो ग्लाइकोजन और फैट जो है वो ब्रेक डाउन करता रहता है और उसको पानी मिलता रहता है उसमें से, तो इस तरीके से उसको स्लो रेट पे पानी मिलता रहता है और वो वाटर लॉस को काउंटर कर लेता है। तो कैमल जो है वो काफ़ी लंबे तक पानी के बिना इसीलिए रह सकता है। हालांकि जो पहले एक थ्योरी दी गई थी वो बिल्कुल गलत है कि पानी इसके स्टमक में नहीं स्टोर रहता है, क्योंकि कैमल की स्टमक में वाटर सेल्स होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि उसमें स्टोर करके रखता है, ग्लाइकोजन और फैट जो हम्प में होता है उसके थ्रू ये अपना वाटर को लेता है। दूसरी अडेप्टेशन आती है टेम्परेचर वगैरह के अगेंस्ट। टेम्परेचर जो है, अब हमने देखा है कि डेज जो है डेजर्ट्स में बहुत हॉट होते हैं और नाइट्स बहुत कूल होती हैं, तो इसके लिए एक्सेसिव हीट कोल्ड के अगेंस्ट जो है इनको शेल्टर चाहिए होता है, या सैंड, या तो ये रॉक के नीचे छुप जाते हैं या सैंड में बरी कर जाते हैं। तो सैंड में अगर इनको बरी करना है तो मिट्टी ना चली जाए इनके सेंस ऑर्गन्स में, तो नॉस्ट्रियल, आईज, ईयर ओपनिंग्स जो हैं वो उसमें प्रोटेक्शन रहती है ताकि मिट्टी हवा से ना चली जाए। जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो इनके एक्सटर्नल एरियाज होते हैं, वो अपवर्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरवर्ड, जो बरिंग में फॉरवर्ड थे वो इसमें अपवर्ड रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है, इनमें वैल्व्स लगे होते हैं, ताकि जैसे स्नैक्स में होते हैं वेल्व्स, जो एक्सटर्नल एरियज होते हैं वो सिर्फ वेल्व्स लगे होते हैं ताकि मिट्टी ना जा सके। जो स्नैक होता है, एक टिफ्लॉप्स नाम का डेजर्ट स्नैक होता है, तो इसकी जो आईज होती हैं, इसके ऊपर जो है हेड शील्ड्स होती हैं, बचा के रखती हैं उसको। जो लोअर आईलिड होती है, जैसे एक लिजर्ड के अंदर, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो एक तरीके से विंडो बना लेती है कि मिट्टी ना जा सके, वो क्लोज कर सकता है आई जब उसको नहीं चाहिए होता, ठीक है। कुछ एनिमल्स के अंदर जो आई है वो परमानेंटली ट्रांसपेरेंट लिड्स, लोअर लिड से कवर्ड रहती है। कुछ एनिमल्स में जो ईयर ओपनिंग्स होती हैं वो इतनी छोटी होती हैं और बीच में जैसे धागे होते हैं, फ्रिंजेस होती हैं, वो लग जाती हैं। कैमल के अंदर जो है नॉस्ट्रल्स जो हैं वो बंद कर सकता है, ईयर ओपनिंग्स जो है उसके ईयर्स के आसपास हेयर होते हैं, आईज जो हैं वो 270 सेंटीमीटर ऊपर रेज्ड होती हैं ताकि मिट्टी ना जा सके, ठीक है। आई लैशेज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कैमल की, आपने देखी होंगी, अगेन प्रोटेक्शन के लिए है। जो डेजर्ट में ऑस्ट्रिच रहती है, जो बर्ड होती है, वो 210 सेंटीमीटर हाई होती है, इतनी लंबी होती है वो सैंड के ऊपर, तो हाइट बहुत बड़ी होती है, तो हाइट प्रोटेक्शन देती है आईज़ को, और इसके अलावा वो हीट जो निकलती है मिट्टी से उससे भी बचाती है, जो रॉक से निकलती है ये। फिर इसने एनिमीज से भी बचना है, तो एनिमीज से बचने के लिए इसके पास प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव कलरेशन। प्रोटेक्टिव कलरेशन का मतलब क्या है कि सराउंडिंग मिट्टी या रॉक से ही अपने आप को मिमिक कर लेते हैं। डेजर्ट एनिमल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रे कलर के होंगे, ब्राउन होंगे, या विजिबल ही नहीं हो पाएंगे बैकग्राउंड में, मिट्टी से कलर के होंगे। दूसरा, इनके अंदर वेनम होता है, ज़्यादातर डेजर्ट एनिमल्स में पॉइजन जो है डिफेंस के लिए होता है, तो जैसे कि स्पाइडर, ट्रैपडोर स्पाइडर है, वो लिजर्ड को किल कर सकता है कुछ मिनट्स के अंदर ही, तो अब कहाँ लिजर्ड और कहाँ स्पाइडर का साइज है, लेकिन इसके पास ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है। गिला मॉन्स्टर होती है ये, ओनली इट इज़ अ पॉइजनस लिजर्ड, तो ये भी पॉइजनस होती है। तीसरी मॉडिफिकेशन है, इनकी स्पीड जो है वो बहुत तेज रहे, इस तरीके की होगी कि ये बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। इनको तेज़ स्पीड नहीं चाहिए, इनको बेसिकली चाहिए डेजर्ट है, फूड और पानी कहाँ मिल रहा है, तो इनमें इतनी स्पीड होनी चाहिए कि ढूंढ सके पानी और फूड को, ठीक है। कवर तो होता नहीं है, तो इजीली दूर से प्रेडेटर को दिख सकते हैं, तो
कुछ लेजर्ड जो होती हैं वो इतनी फास्ट चलती हैं कि एकदम से आईज साइट भी लूज़ कर देती हैं, कि एकदम से रॉक टू रॉक ट्रैवल करके चली जाती हैं। कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे ऑस्ट्रिच जो है वो रोड रनर, वो भागती हैं रोड के ऊपर, ठीक है। मैमल्स हो गए, वाइल्ड एस गैजल हो गया, एस हो गया, एंटीलोप्स हो गए, तो ये फास्ट रनर्स हैं। कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्यों? क्योंकि ये इसकी ट्रैवलिंग पावर जो है वो बहुत है। शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप जो है अपने क्यों शिप बोलते हैं, शिप जो है ओशन में बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है, उसी तरीके से कैमल की ट्रैवलिंग जो है वो बहुत दूर तक है, ट्रैवलिंग पावर बहुत है। तो इन सारे एनिमल्स की क्योंकि फास्ट रनर्स हैं, स्लेंडर बॉडी होगी, लॉन्ग लिम्स होगी, फीट ब्रॉड होंगे ताकि मिट्टी पे चल सकें, डिजिटीग्रेड फीट होगा, पैड्स होंगे कैमल्स में जैसे पैड्स होते हैं ताकि सैंड से वो पे चल सके। इसके अलावा इन डेजर्ट एनिमल्स में स्किन जो होगी वो हार्ड होगी और स्पाइनी होगी ज़्यादातर लिजर्ट्स वगैरह के अंदर। डिफेंसिव है बेसिकली, दूसरे एनिमल्स को डराने के लिए होती है। तो डेजर्ट एनिमल्स दे आर इंटेलिजेंट क्योंकि इनके सेंस ऑर्गन, स्मेल, साइट और हियरिंग के बहुत स्ट्रांग रहेंगे। नेक्स्ट आर दी केव अडेप्टेशंस, केव्स में रहना, ठीक है। तो केव्स में क्या होता है, ना तो लाइट होगी, ना फूड होगा, बहुत कम फूड होगा, टेम्परेचर एकदम सेम ही रहेगा जहाँ से एक गुफा में रहना होता है। तो द पहली जो कंडीशन है कि लाइट भी नहीं है और फूड भी कम है, तो इनके अंदर मॉडिफिकेशंस किस तरीके की होती है, बेसिकली कौन से एनिमल्स होते हैं जो केव्स में रहते हैं, ज़्यादातर कुछ फिशेज हैं, कुछ सेलामेंडर्स हैं जो एम्फीबियंस होते हैं, और एक मैमल है वाइट फुटेड माउस जो होता है, ठीक है। तो इनमें फ्रॉग्स, टोड्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स वो इस कैटेगरी में आते ही नहीं है। ये कुछ हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कभी कभी विजिटर कभी कभी केव में चले जाते हैं, जैसे आउल हो गया, बैट्स हो गए, अगर हमने इन्होंने दिन में ये कई बार वहाँ रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। तो अडेप्टेशंस बहुत सिंपल सी होती हैं, जो परमानेंटली केव में रहते हैं उन्हीं के लिए होंगी है। एक तो उनकी बॉडी में पिगमेंटेशन नहीं होती है, क्योंकि जब लाइट ही नहीं है तो पिगमेंटेशन क्या आएगी, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ आइज़, अब लाइट तो है नहीं है तो आइज़ जो है ऑटोमेटिकली नेचुरल सिलेक्शन की वजह से रिड्यूस हो गई हैं, उसके ऊपर ओपेक स्किन आ जाती है, फंक्शनलेस हो जाती हैं, कुछ फिशेस के अंदर एग्जांपल बताया हुआ है ये। तो फिश जो आइज़ जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। बॉडी की शेप, जो केव में रहना है तो स्लेंडर बॉडी होगी, पतली होगी, लॉन्ग एटीन्यूएटेड लिम्स, मतलब क्या कि जैसे रपचर्ड सी लिम्स होती हैं उस तरीके से होगा। अंडर नरिशमेंट, जैसे कोई चाइल्ड होता है अगर अंडर नरिशमेंट होता है तो उसकी बाजू टांगे कैसी होती हैं, बहुत पतली पतली, और ऐसे लगता है भी टूट जाएंगी क्योंकि खाना तो प्रॉपर होता नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है, खाना कहाँ से मिलेगा। फिर टेक्टाइल सेंस ऑर्गन्स जो है, आइज़ तो है नहीं यहाँ पे केव एनिमल्स जो है उनके अंदर, फिर कंपनसेशन किस चीज़ की है, टैक्टाइल टच करने वाला जो सेंस ऑर्गन है वो बहुत फास्ट होता है, जो डेवलप्ड होता है उसको डिटेक्ट कर सकती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में इन्होंने एडजस्टमेंट की है, क्योंकि ये खाना नहीं होता तो ये लॉन्ग फास्टिंग कर सकती हैं, बिना खाने के रह सकती हैं, क्योंकि इरेगुलर सप्लाई है, कभी खाना मिल गया कभी नहीं मिला, और जो भी मिला उससे उसको उनको गुजारा करना पड़ता है। नेक्स्ट आती है डीप सी अडेप्टेशन। अब डीप सी में, डीप सी ओशन जो हम कहते हैं, हमारा 50% जो हमारा ग्लोब है वो डीप सी ओशन हम कहते हैं कि वो कवर करता है, ठीक है। अब सबसे हम अगर हम ओशन में सब बहुत नीचे चले जाएं, बहुत डेप्थ में चले जाएं, तो वहाँ भी डार्कनेस है, ठंडा पानी है, कोल्ड है, प्रेशर बहुत हाई है, साइलेंट स्टेज होती है, वेजिटेशन है नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी एनिमल्स रहते हैं, और वहाँ पे लाइट तो पहुँचती नहीं है, लाइट जो है वो सिर्फ 350 मीटर तक पहुँच पाती है, उसके नीचे तो परमानेंट डार्कनेस रहेगी। 600 मीटर के नीचे टेम्परेचर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी नीचे चला जाता है, कोई डायनल सीजनल वेरिएशन टेम्परेचर की नहीं देखी गई हैं। इससे भी नीचे चले जाएंगे तो वाटर आइस कोल्ड हो जाता है। अभी जो लो टेम्परेचर है ये क्यों हो जाता है, इक्वेटर और पोल्स की वजह से, प्रेशर भी इंक्रीज, जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। 1800 मीटर से जितना इतना नीचे जाते जाएंगे वो जाता जाएगा। वाटर इज क्वाइसेंट, वाटर बहुत क्वाइट, कोई आपको आवाज़ नहीं आएगी, बहुत करंट स्लो आपको दिखेगा, कोई वेजिटेशन नहीं है क्योंकि लाइट ही नहीं जा रही है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। फूड जो है जो ऊपर से जो नीचे गिरेगा अगर वहाँ पहुँच गया तो पहुँच गया, वहाँ पे क्या क्या पहुँच सकता है, कुछ एनिमल्स के शेल्स पहुँच जाएंगे, कुछ डीकम्पोज्ड रिमेन्स पहुँच जाएंगे, प्रोटोजोन्स के, मोलस्का के, डायटम्स के, तो ऑर्गेनिक रिमेन्स जो है इन ये सबको इकट्ठा करके हम ऊज बोलते हैं, तो जो नीचे गिर गए एनिमल्स को वही खाना पड़ता है। तो फौना भी उस तरीके का ही होगा,
जो जो यहाँ पे सरवाइव कर सकता है, डीप सी, कुछ कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स मैमल, ये तो मिलेंगे ही नहीं यहाँ पे आपको, ठीक है। तो नॉर्मली क्या मिलेंगे आपको, जो हमने पॉलीफरेंस किए हैं, स्पॉन्जेस, कोरल्स, ब्रायोजोन्स, ब्रैंकियोपॉड्स, ट्यूब बिल्डिंग एनालिड्स हो गए, बार्निकल्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, इकाइनोडर्म्स, शार्क्स, रेस, काइमेरा, बूनी फिशेज, ये मिलेंगे आपको ये। तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो स्पेसिफिकली मॉडिफाइड होते हैं इनके अंदर। अब वहाँ नीचे रहना है तो अडेप्टेशंस क्या क्या होंगी, बॉडी कैसी रहेगी इनकी, डीप सी एनिमल्स की बॉडी जो है वो स्मॉल रहेगी, जिसकी वजह से प्रेशर जो है इनके ऊपर इतना पानी है तो वो प्रेशर जो है वो रिड्यूस फील करेंगे ये। तो वीक होगी बॉडी इनकी क्योंकि न्यूट्रिशन कुछ खास है नहीं। आइज़ जो होंगी, नॉर्मली कुछ डीप सी जो फिशेज़ होती हैं वो तो ब्लाइंड ही होती हैं क्योंकि लाइट ही नहीं होती वहाँ पे। कईयों के पास टेलीस्कोपिक आइज़ होती हैं और कईयों के पास मिरर्स लगी होती हैं, कनकेव मिरर्स, जो कि मैक्सिमम लाइट को अब्जॉर्ब कर सकें, चाहे थोड़ी सी भी लाइट पड़ रही है उसको अब्जॉर्ब कर सकें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर जो डीप सी में होता है वो होता है ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस मतलब क्या होता है कि जो जगमगाना होता है, ठीक है, क्योंकि अंधेरे में है तो वो अपनी बॉडी से लाइट एमिट करती हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स पे इनके ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और प्रे को भी अट्रैक्ट करती हैं, ये जगमगाती हैं। जैसे जुगनू है तो उसको, जुगनू तो चलो बाहर हो गया, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कोई चीज़ चमकती है तो प्रे उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। कलरेशन, नॉर्मली जो ये होते हैं एनिमल्स होते हैं डीप सी एनिमल, बहुत अच्छे कलरेशन के होते हैं, रेडिश ब्राउन, ग्रे, ब्लैक कलर के होते हैं। जॉज जो होंगे इनके, वीक जॉज होंगे क्योंकि नॉर्मली एनिमल्स सॉफ्ट और डिकेइंग मैटर पे ही फीड करते हैं, लेकिन जो प्रीडेटर्स होते हैं उनके पावरफुल, जैसे शार्क्स हो गए, उनके बहुत पावरफुल जॉज होंगे। रिप्रोडक्शन जो है इनका, हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और पेरेंटल केयर भी शो करते हैं, जैसे काइनोडर्म्स में भी होगा। शेल्स और स्केल्स कैसे होंगे, तो शेल्स होते हैं डीप सी इन्वर्टिब्रेट्स के होते हैं बेसिकली, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट स्पॉन्जेस वगैरह आपको मिलते हैं वहाँ पे। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, थिन होंगे और कईयों में तो लैकिंग होते हैं। तो डीप सी और केव्स जो हमने दोनों अडेप्टेशन किए हैं, ना तो उनमें दिन होता है, ना रात होता है, ना कोई सीज़न होता है, वहाँ पे कंडीशंस हमेशा ही हर टाइम एक जैसी रहती हैं। तो इनमें जो एनिमल्स रहते हैं वो अडेप्ट हो जाते हैं उन स्पेशल कंडीशंस के लिए। तो और इसलिए इनमें जो है, इन दोनों कंडीशन में, डीप सी और केव्स में, कोई एवोल्यूशन नहीं रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि एवोल्यूशन होने के लिए चेंजेस आनी बहुत ज़रूरी है। वेरिएशन होगी तभी एवोल्यूशन होगा, स्पीशीज नए बनेंगे। तो इन दोनों अडेप्टेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि कॉन्स्टेंट कंडीशन है इन दोनों में।